लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मज्जन फल पे खौदत काला काक हो ही पिक बकौ मराला सुनी अचरज न करे जन कोई सत्संगति महिमा नहीं गो वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुख ही कही निज होनी तो जानप सत्संग प्रभाऊ लो कहूं वेद न आन उपाऊ सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन भूला सत सुध रही सत संगत पाई पारस परस कुधात सुहाई एहि महरग पति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। बंद करो ये जनभाषा का प्रलाप। भगवान श्री राम का चरित्र अपवित्र न करो जनभाषा में गाकर तुलसी। देव भाषा संस्कृत का अपमान न करो। बंद करो यह नाटक। तुमने एक ही पाप नहीं किया है तुलसी, तुमने और भी कई पाप किए हैं। बाबा विश्वनाथ की पवित्र नगरी काशी को अपवित्र किया है। बाबा विश्वनाथ शिव शंकर मेरे भी आराध्य हैं। राम कथा के स्वर किसी भी भाषा में हो पवित्र होते हैं, वो अपवित्र को भी पवित्र कर देते हैं। आप शांत मन से सोचिए, क्रोध ना करें। पंडित जी, मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। हमें उपदेश देने की चेष्टा ना करो तुलसी। हम कहते हैं, यदि अपने प्राण तुम बचाना चाहते हो तो तुरंत काशी से बाहर चले जाओ। पंडित रुद्रनाथ, तुलसी द्वारा एक हत्यारे को गले लगाकर भोजन कराने की बात क्यों भूल गए? हत्यारे के पाप को बढ़ावा देने का पाप सबसे बड़ा पाप होता है। ऐसा पापी काशी में एक पल के लिए भी नहीं रह सकता। निकल जाओ यहाँ से। हाँ तुलसी, इसे तुरंत काशी से बाहर निकाल। नहीं भाई। हाँ, हम इसको निकाल कर रहेंगे। नहीं तो तुम्हें भी काशी से निकलना होगा तुलसी। निकालो। मनकू, रुको भाई रुको। ये कुटिया तो प्रभु श्री राम का मंदिर है, इसके द्वार सबके लिए खुले हैं, जो चाहे इसमें रह सकता है। यही रह जाओ मनकू, यही रह जाओ। यह ब्रह्म हत्यारा है और तुम इसके रक्षक बनना चाहते हो? माना कि यह ब्रह्म हत्यारा है, किंतु अब तो ये अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। पंडित जी, हत्या का प्रायश्चित दंड होता है और हत्यारे का साथ देने वाला भी दंडनीय होता है। मनकू, 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 उठो भाई। भगत जी, भगत जी, भगत जी, मुझे कुछ नहीं हुआ। मनकू मेरे भाई, कुछ नहीं हुआ मुझे। यदि आप लोग दंड देना चाहते हैं तो मुझे दंडित कीजिए, मैं प्रस्तुत हूं दंड के लिए। किंतु इन्हें कुछ मत कहिए, ये धर्मात्मा है, इन्हें कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए। तो हट बीच से। तुलसी, यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अभी इसी समय काशी छोड़कर चले जाओ, अन्यथा। नहीं मनकू,
मैं हत्यारा हूँ। नहीं भाई, मैंने कई हत्याएं की हैं, दो चार हत्याएं और कर सकता हूँ। क्या कर रहे हो मंतू? भगत जी को दंडित करवाओगे? नहीं भाई मंतू, भगत जी को दंड दिलवाओगे? भाई मंतू, ये क्या कर रहे हो? मंतू भाई, मैं भक्ति के मार्ग पर लाना चाहता हूँ, तुम फिर हिंसा के मार्ग पर जा रहे हो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत। देखा तुमने तुलसी, ये हत्यारा है और हत्यारा ही रहेगा। तुमने इसे भोजन करा के महापाप किया है। तुम्हें काशी नगरी छोड़नी होगी तुलसी, नहीं तो हम ये घोषणा करवा देंगे कि तुम्हारा छुआ हुआ भोजन कोई ग्रहण नहीं करेगा। जिसे तुम छू लोगे उसे भ्रष्ट माना जाएगा। हम तुम्हें अशुद्ध घोषित करवा देंगे। देखिए, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यदि उनकी इच्छा हुई तो मैं यहीं रहूंगा और यहीं रहकर राम कथा की रचना करूंगा। आप या अन्य कोई भी मुझे यहां से निकाल नहीं सकते। जिसकी प्रभु श्री राम में श्रद्धा होगी वो यहीं आएगा। मुझे यहां से निकालने का आपका प्रयास व्यर्थ सिद्ध होगा। नहीं, कदापि नहीं, हम तुम्हें काशी से निकाल कर रहेंगे। इसका निर्णय बाबा विश्वनाथ करेंगे। ठीक है, यदि तुम यही चाहते हो तो हम ये निर्णय बाबा विश्वनाथ पर छोड़ देते हैं। यदि उन्होंने तुम्हारा दिया हुआ प्रसाद या उनके नंदी ने तुम्हारे दिए हुए प्रसाद को ग्रहण कर लिया तो हम ये मान जाएंगे कि बाबा विश्वनाथ तुम्हें काशी नगरी से बहिष्कृत नहीं करना चाहते हैं। किंतु पंडित जी, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, तुम्हें यह परीक्षा देनी ही होगी। कल प्रदोष है, कल संध्या काल अपने हाथ का बनाया भोजन लेकर इस हत्यारे के साथ बाबा विश्वनाथ के नंदी के पास पहुँचो। फिर हम निर्णय करेंगे कि हमें क्या करना है। चलो पंडितो। चलो चलो चलो। महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बनित विचित्र सुकविकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो। शांत हनुमान, शांत। हमें पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुलसीदास ने एक हत्यारे को भोजन करवाया, उसका हृदय राम नाम से पवित्र करवाया। अब काशी के पंडित कहते हैं कि यह सब कुछ करके तुलसीदास अपवित्र हो गए। अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए तुलसीदास को हमारे वाहन नंदी को भोजन करवाना होगा, यही ना? हाँ प्रभु, हाँ। परंतु काशी में साक्षात नंदी देव उपस्थित नहीं है, वहां उनकी पत्थर की मूर्ति है। क्या क्या वो मूर्ति प्रसाद खाएगी प्रभु? हनुमान, हमें तुम्हें यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक मूर्ति में भक्तगण अपने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इसीलिए तो उस मूर्ति में भक्त के लिए भगवान साक्षात विराजते हैं। यदि ऐसा ना होता तो तुम सीताराम के मंदिरों की स्थापना क्यों करवाते? असंख्य भक्तगण श्रद्धा पूर्वक
सहस्त्रों मंदिरों का निर्माण क्यों करते? तीर्थ स्थलों की महत्ता कैसे प्रकट होती? हाँ हनुमान, धर्म और भक्ति का संबंध भक्त के मन से होता है। यदि तुलसीदास के मन में प्रभु के वाहन नंदी के प्रति भक्ति भाव है, तो वे उनका दिया हुआ प्रसाद अवश्य स्वीकार करेंगे। बस माता बस, अब मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं पूछना। प्रभु, आपने मेरी शंका का समाधान कर दिया, मैं धन्य हुआ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। हे शिव शंकर भगवान आपकी जय हो प्रभु, हे नंदिकेश्वर भगवान आपकी जय हो प्रभु, हे शिव शंकर आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। हे शिव शंकर प्रभु आपकी जय हो प्रभु, हे नंदिकेश्वर महाराज आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। हे शिव शंकर आपकी जय हो प्रभु, हे नंदिकेश्वर आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। हे शिव शंकर आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। भाई मनकू, मेरे साथ आज तुम्हारी भी परीक्षा है। सच्चे दिल से बाबा नंदिकेश्वर और भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करो, प्रार्थना करो मनकू, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि वो इन पंडित जनों को संतुष्ट करे। हे प्रभु भोलेनाथ, हमारी लाज रखना भगवान, हमारी लाज रखना प्रभु। हे प्रभु भोलेनाथ, हमारी लाज रखना। हे प्रभु भोलेनाथ, हमारी लाज रखना प्रभु, हमारी लाज रखना, हमारी लाज रखना, हमारी लाज रखना। बाबा नंदिकेश्वर के चरणों में विराजो, तुम्हारा कल्याण होगा। बैठो। हे बाबा नंदिकेश्वर, हम आपकी शरण में है प्रभु, हम आपकी शरण में है। हमारी लाज रखना, हमारी लाज रखना प्रभु, हमारी लाज रखना। हे नंदिकेश्वर भगवान, हमारी लाज रखना। तुलसी, तुम क्या ये समझते हो कि इस हत्यारे के हाथ का प्रसाद नंदी महाराज ग्रहण कर लेंगे? ये तो आप ही का आदेश है पंडित जनों। इस हत्यारे को पावन बनाने के लिए और प्रमाण देने के लिए बाबा नंदिकेश्वर प्रसाद ग्रहण करें, मुझे पूर्ण विश्वास है भोले शिव शंकर हम पर अवश्य कृपा करेंगे, अवश्य कृपा करेंगे। और बाबा नंदिकेश्वर को आज्ञा देंगे कि वो प्रसाद ग्रहण करें। मनकू खिलाओ, बाबा नंदिकेश्वर को प्रसाद खिलाओ मनकू। मैं पापी हत्यारा हूं नंदी महाराज, पर तुलसीदास जी ने अपना कर मुझे निर्दोष सिद्ध कर दिया है। नंदकेश्वर महाराज, मैं मन को आपकी शरण में आया हूं, हमारी लाज रखिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए नंदकेश्वर महाराज, प्रसाद ग्रहण कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। हमारी लाज रख लीजिए नंदकेश्वर महाराज, प्रसाद ग्रहण कीजिए, प्रसाद ग्रहण कर लीजिए नंदकेश्वर महाराज, प्रसाद ग्रहण कर लीजिए नंदकेश्वर महाराज। जय शिव शंकर। हे नंदकेश्वर महाराज, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी लाज रखिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए नंदकेश्वर महाराज, प्रसाद ग्रहण कीजिए। हे नंदकेश्वर महाराज, प्रसाद ग्रहण कीजिए महाराज, प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। जय भोलेनाथ। प्रसाद ग्रहण कर लीजिए नंदकेश्वर महाराज, हमारी लाज रखिए नंदकेश्वर महाराज, प्रसाद ग्रहण कीजिए नंदकेश्वर महाराज। जय भोलेनाथ। प्रसाद ग्रहण कीजिए,
हमारी लाज रख लीजिए महाराज, हमारी लाज रख लीजिए। नंदकेश्वर महाराज की, बाबा विश्वनाथ की, 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 नंदकेश्वर महाराज की, बाबा विश्वनाथ की।